हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबका के जामे, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। बस यही जो शादी आदियाँ चल रही है ना, उसमें थोड़ी सी थकान है। आज हम वहाँ पे मिलके आएंगे जहाँ मेरे रिलेटिव में शादी है, वहाँ पे आज मेहंदी का फंक्शन होगा। तो देखते हैं वहाँ घर पे मिलके आएंगे या मेहंदी के फंक्शन में जाएंगे, जो भी होगा वो आपसे बताएंगे। आज है 3 जून और ब्लैक कॉफी पीना थी, ये पानी गर्म हो रहा है, यहाँ से मग उठा लेंगे। भटकते हुए घूम रहा है जब से ये घर के काम चल रहा है ना। अगर अपनी जिंदगी में इंसान को सुकून चाहिए तो घर ना बनवाए। हाँ, लेबर से परेशान हो गया हूँ बहुत ज्यादा। घर में काम स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं 3-4 दफे बोर्ड बनवा के ला चुका हूँ, पावर बोर्ड, और उन 3-4 का ही पता नहीं कहाँ चले गए। फ्रिज में जो है ना मेरी, वो 2 दिन चली, उसके बाद जो उसका कनेक्शन वाला बोर्ड है वो खराब हो गया। आज मैं आधे घंटे ट्राई करती रही, चालू नहीं हो रहा। सर ने आके बताया कि वो बोर्ड यूज किया था लेबर्स ने और वो खराब कर दिया। आई हूँ यहाँ पे बैग देखने जो हम लखनऊ लेके गए थे, इसमें हम वो शेशेस लेके आए थे ना वहाँ से होटल से, तो ये यूज कर लेते हैं इसको यहाँ। बस इतनी तेज धूप है, आए तो हम जूस पीने, लेकिन आज हम जूस नहीं पियेंगे, हम पियेंगे नारियल पानी। प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स की बात भी मानती हूँ जो मुझे दिल से अच्छी सलाह देते हैं। वैसे मुझे भी ये चीज पता थी कि आप जूस से बेहतर है कि फ्रूट खा लो, क्योंकि उसमें शुगर जो होती है, मैंने पहले आप सबको भी समझाया, सनी को भी मैं समझाती थी। लेकिन फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है कुछ तो ठंडा पी, जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे तो जूस पी के राहत मिल जाती है। लेकिन आपकी बात सही थी जिन्होंने मुझे कहा कि आप जूस से बेहतर है कि फ्रूट खा लो, और वहाँ पे उन्होंने इतना देखा कि नारियल पानी मिलता है तो नारियल पानी पी लो, तो आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, तो उससे मैं नारियल पानी पीऊंगी। थैंक यू। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड खराब हो गया ना, तो सनी यहाँ से ले रहे हो। मतलब मैं आपको पूरी बात क्लियर कर दूं, वरना आधी इन्फॉर्मेशन भी गलत हो जाती है सबके लिए। तो ये बात है कि फ्रूट के जो जूसेस होते हैं वो सबके लिए नुकसान नहीं होता, जूसेस पीना चाहिए, बच्चों को भी बहुत पीना चाहिए। सिर्फ जिनको प्रॉब्लम है, जिनको डाइट में मीठा नहीं लेना है, जैसे PCOS का प्रॉब्लम है तो मीठे से बचना है, तो जब हम फल का जूस पीते हैं तो उसकी पूरी मिठास डायरेक्ट लिक्विड में हमारी बॉडी में जाती है, तो वो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अगर हम पूरा फल खाएंगे तो उसका फाइबर भी जाता है साथ में, और फल की विटामिन जो होती है वो भी मिल जाती है सबके लिए। ऐसा नहीं कि जूस नुकसान करता है, बाकी सब लोग पी सकते हैं। मिल गया। लंच टाइम हो गया, लंच कर लेते हैं। दाल, सैलेड और ये हरी सब्जी और ये मेरा घी। वॉक कर ली थी फ्रेंड्स, वॉक करने के बाद शहर ले लिया, कोई नीचे मिलने आया उनसे मिल लेते हैं। आपको बता दें, कोई नीचे मिलने आया है तो ये नाम बताइए। फाइनली टाइम मिला है, अब जाएंगे रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो थोड़ा सा रेडी होना बनता है। पुरानी चूड़ियां उतार दी है, अच्छी लग रही थी, लेकिन ये सूट में ना वो पिंक के साथ मैच करिए, फिर रेडी हो जाते हैं। फेस पे लगाएंगे हम सबसे पहले प्राइमर। आप सबको पता है कि प्राइमर का क्या यूज होता है, जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं ना उसे वो मिनिमाइज कर देता है, और हमारा जो मेकअप होता है फिर वो बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन मार्केट में जो प्राइमर होते हैं ना वो क्या करते हैं, टेम्परेरीली हमारी स्किन को अच्छा करते हैं। इसलिए मैं यूज करती हूँ द डर्माकोका 2% नायासिनेमाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये क्या करता है, हमारी स्किन को बाहर से तो अच्छा दिखाएगा, मतलब जो प्राइमर का काम है, लेकिन अंदर से भी हमारी स्किन को हील करेगा। ये प्राइमर क्या करेगा, हमारे फाइन लाइन्स और पोर्स को ना एकदम मिनिमाइज दिखाएगा, और साथ में एक्सेस ऑयल जो हमारे फेस पे आता है उसे भी कंट्रोल करेगा। ये फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है, ये एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा और इवन स्किन टोन देगा। फ्रेंड्स, ये प्राइमर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, नायसिनेमाइड के बेनिफिट्स आपको पता है, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स को कम करने में हेल्प करता है, और इसमें विटामिन ई भी है जो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और इसमें सेबोक्लियर एमपी भी है, ये सेबोशियस ग्लैंड को रिड्यूस करता है, ब्लैक हेड्स को ट्रीट करता है और एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को रोकता है, जिससे हमारी स्किन ऑयल फ्री रहती है और स्मूथ रहती है। फ्रेंड्स, मेकअप कर रही थी वो भी हो नहीं पाया, नीचे कोई पापा के रिलेटिव्स है वो आ गए, मतलब हमारे रिलेटिव्स। मैं 2 घंटे बाद वापस आई हूँ, वो लोग मिलके चले गए, ने प्राइमर तो लगा लिया था, अभी हम लगा लेंगे बीबी क्रीम। ये है फ्रेंड्स, डर्माकोका 2% नायासिनेमाइड हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम। आपको फाउंडेशन जैसा लुक चाहिए और जल्दी से रेडी होना उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये बीबी क्रीम आपके फेस को ऊपर से भी अच्छा करेगी, साथ साथ अंदर से भी अच्छा करेगी, और फ्रेंड्स इसमें SPF 30 भी है तो धूप से भी आपको बचाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ रेडी, आप देख सकते हैं बीबी क्रीम से लुक जो है वो कितना अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट एकदम सेफ और इफेक्टिव है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने डिजाइन की है, मैं लगाती हूँ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। फिर भी आप कोई भी प्रोडक्ट अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें। डर्माकोका एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, जिसमें आप उनसे जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो आपका ऑर्डर वो एक बच्चे के साथ लिंक कर देते हैं, जिसकी वो पढ़ाई में हेल्प करते हैं। उन्होंने प्लेच लिया है कि वो हर साल 10,000 बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करेंगे। आपको ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है, वहां पर मेरा कोड यूज करना मत भूले जो कि SABA2023, तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। फ्रेंड्स, 7:46 हो चुका है, अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग बाइक में जाएंगे। चलो भाई चलते हैं, सारे काम खत्म करने के बाद अब जा रहे हैं सारा, क्या जहाँ है कल शादी।
शादी वाला घर। हमें लगा कि हम लेट हो गए, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे अभी प्रॉपर कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था। डेकोरेशन हो रहा था, प्याज छिल रही थी, तो फिर जितने लोग वहाँ पे आए थे उतने लोगों से हमने मिल लिया। तो मैं और सबा अभी सबा की फुफ्फी के यहाँ से होके आ गए हैं। इतना ज्यादा थकावट हो रही है आजकल हम लोग 3-4 दिन से, क्योंकि हमारे शहर में शादियां हो रही हैं। मैं 10 मिनट टाइम निकाला, स्टेशन आया, हम लोग चाय पीने, चाय पीएंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। और बहुत थक जाती है बेचारी, लेकिन मुझे बहुत सारा शादी ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ, मौदहा में मतलब बहुत थकावट हो रही है। इस ट्रिप में थकावट हो रही है क्योंकि शादियां बहुत ज्यादा है अभी। मुंबई में क्या होता है, या कहीं भी आप रहो तो वहाँ पे कोई आपको जानने वाला नहीं होता, तो हाँ। मिलने वाले नहीं होते कभी कभार से, लेकिन ठीक है, लेकिन ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, हाँ, अच्छा। शादियों में जाना अच्छा लगता है। नहीं, शादियों में वैसे भी यूजुअली भी यहाँ पे जो सब्सक्राइबर्स है वो भी काफी लोग मिलने आते हैं, फिर रिश्तेदार आते हैं, फिर पड़ोसी, कभी कुछ न कुछ कुछ न कुछ, तो पूरे टाइम दिन भर मिलने में ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तो अच्छा भी लगता है। ऐसे नहीं है कि मिलके खुशी नहीं होती है, बस वो एक थोड़ी देर ऐसा टाइम चाहिए होता है कि बस कुछ नहीं करना हो, तो वो वाला टाइम के लिए। तो कोई नहीं, अभी हम चाय पीते हैं। लो भाई तुम्हारी फेवरेट चाय। हमने बोला था ज्यादा चाहिए। भाई 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 हेलो, एक गिलास, एक कप और दे दिला। बिना शक्कर की है ना? हाँ, बिना शक्कर की है। बड़ा वाला कूलर नहीं रखते क्या? इससे बड़ा कूलर कहाँ होगा? अल्लाह गरम है, अल्लाह गरम है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इंसान इतनी चाय पीते हैं, इतनी सुकून वाली चाय। तुमने तो सबको दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, एक पी के दूसरी फिर शुरू कर दी इसने। मिली नहीं है सुबह से। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि कल से मैं सबको गाड़ी सिखाऊंगा। 11 बजने को आया है, आज का दिन जो है वो एंड होने को आ गया है। सोचा था कि मेहंदी में वहाँ पे जाऊंगी, लेकिन पता नहीं अंदर से एनर्जी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा होने लगा कि कहीं जाने का मन भी बहुत ज्यादा होता है, वहाँ जाके फिर ऐसा लगता है घर जाना है, घर जाना है। और बच्चों भी आए हुए हैं मदा हमसे मिलने के लिए स्पेशली, उनसे वादा भी कर लिया कि आ रही हूँ आ रही हूँ, और फिर वहाँ पे भी नहीं गई, ऐसे ही मन हो गया था। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे उनसे, और कल बारात भी है। थोड़ी देर बाहर वॉक कर लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद डिनर कर लेते हैं। खाना अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हमने निकाल लिया, सनी आज दावत में गए थे शाम को, इसीलिए वो आज नहीं खा रहे हैं। खाना खा के आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं पी रही हूँ नींबू और गर्म पानी। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, रुखसाना बाजी से पूछते हो क्या बना रही है। शिमला मिर्च, परवल, आलू मिक्स सब्जी बना रही हूँ। सब्जी जब बनेगी फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कैसी बनी है। वैसे तो बहुत ही अच्छी बनाती है। इस पे दूध गिर गया था फ्रेंड्स ये वाले चूल्हे में, तो जब भी आप इस पे कुछ रखते हैं ना तो वो कैसे काला कर देता है। और यहाँ पे दाल बन रही है। चाय पीने से पहले फ्रूट खा लेते हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया हूँ। लेकिन आप लोग को पता है कि लड़कियों को रेडी होने में कितना टाइम लगता है। मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ भैया। हाँ मतलब तुम रेडी होती जल्दी, लेकिन आप लोग समझते हो ना, तो क्या खैर कोई बात नहीं है। हेलो भाई, ये देखिए, ये अब हो गई है मैडम हमारी रेडी, अब जाना है इनको लेके। चलो अच्छी लग रही है। चलो कितना शानदार मौसम हो गया है, हल्की हल्की बारिश भी हो गई। तो हमने लगता है कढ़ाई में खाया था, बारिश हो गई। हमारे बाद में लगता है पानी बंद ही ना होगा फिर। क्यों? हमने तो कढ़ाई भगवान सब में खाया है। फिर सबसे मिलके फ्रेंड्स हम वहाँ से निकल गए। फूफी हमें छोड़ने तक आई थी, वहाँ पे हमारे कोई कंपनी के लिए भी नहीं था, और जो शादी थी वो पी के यहाँ पे नहीं थी, मतलब उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ पे थी, तो बस हमने मिल लिया था। तो शादी में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हो लिया है। तो अब मैं आया हूँ सबा को गाड़ी सिखाने। तो भाई देखो, पहली चीज तो ये की मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ। मेरी बात समझो, तू भी अकेली लड़की है, मेरा कोई बीमा नहीं है। तेरा बीमा है? ऐसी अशुभ बातें नहीं करो। अच्छा ठीक है, सॉरी, समझ लो ये गियर है। गियर वाली सिखा रहे हो, बिना गियर वाली नहीं। इसमें फायदा है, अगर गियर वाली सीखोगी तो इसमें तुम फिर दुनिया की कोई भी गाड़ी चला लोगे गियर वाली में। तब वो कर रहे हैं सीट चेंज, मैं जा रहा हूँ अल्लाह ताला का नाम लेके उस तरफ। या अल्लाह मेरी मदद करना, उसकी भी मदद करना। सीख जाओगे कितना अच्छा लगेगा, तुम टेंशन में दरवाजा खोल के बैठ के निकल लूंगी। चलो तो पहले, जब भी तुमसे लड़ाई हो जाएगी बैठ के निकल लूंगी, बताऊंगी। चलो पहले चलाओ, चलाओ चलो। ऑन करो। ऑन है? हाँ बैठो। सैंडल उतार लो, ऊंची वाली है। अच्छा उतार लो। ना तीन पैर तो है ही नहीं मेरे। पहले इसको नहीं, पहले इसको दबाओ। ये तुम्हारा है क्लेच। क्लेच क्या होता है? क्लेच ही आपको गियर डालना है ना। हाँ। तो पहले क्लेच दबाना है, फिर उसके बाद गियर। राइट पैर में तुम्हारा देखो। हाँ। दबाओ। वहाँ तो पैर नहीं जा रहा। हाँ ये ठीक है। और ये बीच वाला तुम्हारा ब्रेक है। सही। हाँ सीट आई कर दो।
फुल होना चाहिए था। पूरा दवा पहले क्लेच फुल दवा फुल ठीक है। पैर में आके लकड़ी लगवानी पड़ेगी। इसको ऐसे पकड़ो ऐसे दवा रहने देना क्लेच। हाँ क्लेच दवा नहीं है तुम्हारा। पैर नहीं जा रहे मेरे। फिर दबाओ पूरा दवा। हाँ पड़ गया गियर। अब छोड़ना नहीं क्लेच। अब हल्का सा पैर रखो एस्केलेटर में हल्का धीमे धीमे हल्का हल्का धीमे धीमे छोड़ना है उसको धीमे धीमे दबाना है। बढ़ गई। हाँ चलो स्पीड कहाँ से कम करो। हटा है पैर फिर भी चल रही है। हाँ, धीमे धीमे चला चल रही है। सामने वहाँ से भी चल रही है। आराम से आराम से। रुकी क्यों नहीं। रुक जाएगी रुक जाएगी। चलो बीच वाला क्या है। ब्रेक है वो ब्रेक मार दूंगी रुक जाएगी। घुमा जा बस आराम से। भैया ऐसे ऐसे भी देख ले। हाँ हल्का बंद करो। ये क्या इसमें थोड़ी गाड़ी चलाई उसके बाद डर गई। मैं बताती हूँ ठीक है। लैच दबाना है पहले स्टार्ट तो करो इससे बटन से। स्टार्ट कहाँ स्टार्ट ये पैर नहीं पहुँच पा रहे ना उसके। हल्का हल्का इस पैर को छोड़ना है और हल्का हल्का उस पैर को दबाना है प्रेस करना है उसमें इसके टाइम। अरे बहुत बहुत ज्यादा भैया ऐसे गाड़ी सीख रही है। मर तो बड़ा मरा साधु ऐसे कौन गाड़ी सीखता है यार। हाँ ये शाबाश लेफ्ट 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 गुड 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 शाबाश। सीट की तकिए रखनी पड़ेगी। ओ भाई रोको क्यों आराम से रहो। इस तरफ लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ राइट 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 हल्का राइट। हाँ बस सीधा सीधा सीधा। ये देखिए दोस्तों सभा चला रही है गाड़ी। अब मैंने एक चीज डिसाइड करी है सीट बहुत नीचे है तो इसमें मैं नीचे लगाऊंगा एक तकिया या लकड़ी का एक पटला तो बिठा के फिर वो करेगी। हमारी खाला का फोन आ रहा है। पैरों से तो मैं कुछ नहीं कर पा रही ना। पैरों से तो कर तो रही हो। पैरों से खाली ऊपर आराम से आराम से। स्पीड 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 नहीं। अरे अभी कुछ नहीं ऐसे अभी ग्राउंड में अम्मी करो सीधा करो। क्रेश के बिना कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ चलो जा रही हूँ। ड्राइवर साहब अभी आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा। डर तो नहीं लगा। नहीं मजा है। अच्छा लगा बहुत। अब गेली चलाएगी। से उड़ रहा है। गेली चलाएगी अब। हाँ। और पहले क्यों नहीं सिखाया। चलो फिर बैठो गाड़ी चलो। अरे कोई नहीं मर रहा। अरे तोड़ क्यों रही है भाई। सीधा कुछ सीधा यहाँ कहाँ जा रही लेफ्ट में राइट में। सिद्धार्थ तुम्हारी नौकरी मुझे मिल जाएगी। मैं सनी की पर्सनल ड्राइवर। अपना ड्राइवर रख लो इसी बहाने में तुम्हारे साथ हर जगह जाऊंगी। प्रेस करना है ये ठीक है। हल्का हल्का ब्रेक 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 बीच वाला बीच वाला बीच वाला बीच वाला हल्का 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 ये भी दबाओ ये भी दबाओ ये भी दबाओ। क्या हो रहा था। किसकी ड्राइवर है भाई। ये चला ली है चालू। ये आ गया बक्सा। अच्छा बड़ा। अब सारे कपड़े इसके अंदर पूरा सामान रखा वो होगा जो तुम कानपुर से ले गए थे किचन के लिए। ऊपर किचन में सेट कर हाँ, हटवाते जाओ जो जरूरत नहीं है वरना कभी क्लीन नहीं। आप संस्कार पर चला के आ चुके हैं घर और आज बना रही हूँ सनी के लिए हलवा। सनी भाई कैसे तुम्हारा जरूर चीटी हो गई है। फ्रेंड्स आजकल बहुत ज्यादा चीटी हो रही है। पता नहीं कहाँ से आ रही है समझ नहीं आ रहा। हर चीज में हो जा रही है चीटी। ये सनी जो नाश्ता करता है ना उसमें चीटी हो गई है। सत्तू बोलते हैं सित्तू बोलते हैं सिद्धुआजी का ट्रिक अच्छा है कि किसी भी चीज में लौंग डाल दो तो चीटी नहीं होगी। okay. ये बात तो सही है लेकिन इतनी ज्यादा लौंग डाल दी जितने बार चीनी निकालो हाथ में लौंग पहले आ जाती है। निकाल लो उसको लौंग को। बात भी सही है। कंकड़ भी हो जाता है उसको भी इनको सूजी को भून दे। इतना पसीना में सनी भाई कह गया एक एसी लगवा किचन में ऐसी। घूंघट तो हटा लो। बारिश हो रही है। हाँ बन गया पसीना में डूब गई। अरे यार थैंक यू। चेंज लगवा दो। पापा कह रहे हैं कि हलवा बहुत अच्छा बनाया सब ने। अच्छा बना। हाँ शक्कर कम है। कम है शक्कर। थोड़ा मीठा ज्यादा खाता है ना। आपको गीला पसंद है मैंने पानी भर दिया। पता है ये हलवा और मैगी किस खुशी में है। मैं इसका हूँ टीचर। ये मेरी स्टूडेंट है। इसने आज मुझे अपने टीचर को मतलब अच्छा खुश करने के लिए ये मुझे गरम गरम हलवा और ये मैगी बनाई।
फाइनली अब टाइम मिला है बच्चा उन लोगों से मिलने जाने के लिए, तो सनी छोड़ने जा रहे हैं। आज हमारा डिनर जो है वो बेटी का लेके आए। मैं तो ऑलरेडी खा गया हूँ दावत से। तुम्हारी कुछ ज्यादा दावत नहीं चल रही, अपनी अपनी किस्मत की बात है। अभी हम भी बच गए गिरने से, वहाँ पे शॉप में गए थे सामान लेने, यहाँ पे आके बारिश हुई है ना फ्रेंड्स, पहली पहली बार ऐसे गीला गीला हुआ, तो उसे बचपन की याद आ गई जब मधा में गर्मियों की छुट्टी में आते थे, आंधी आती थी, पानी होता था, फिर मिट्टी में खेलते थे। अस्सलाम वालेकुम, वहाँ पे बैठे हैं सब। माशाल्लाह तुमने देखा तो बड़ी सी लग रही है। अच्छा बैठ फ्रेंड्स, बड़ा मजा आया सबसे इतनी सारी बातें करके, इतने टाइम बाद बचाओ मुआनी नाया भी ऐसे मिले थे, और हवा भी इतनी अच्छी चल रही है, और तुमने पनीर भी अच्छा बनाया। वन टाइम फिर वापस दे, फिर नहीं जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। हाई कर लो, फिर हम नहीं जाएंगे, हाई कर लो। अजय नया, आपने इनको पहले देखा होगा जब मुंबई आए थे, अब देखो माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए, नया भी लंबी सी हो गई और ये भी इतनी बड़ी हो गई है। हाय, बच्चों को भी दिखा दो, बच्चा उन सबके फेवरेट है। पापा, अरे पापा की प्यारी बेटी। चलो जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। सबसे अच्छा हो गया रूम, बक्से में ना बहुत सारी चीजें आ गई, हमारे पास भी था भोपाल में, हाँ। बड़ा बक्सा है। तुम लोग क्या बोलते हो? बड़ा बक्सा हम भी बोलते हैं। गर्मी आ गई तो रजाई इसमें रख दी जाए, लेकिन ये चीजें बस अभी अपने साइड ही देखने को मिलती हैं, बाकी शहर में तो खत्म हो गई। बोलते थे पीपा, हाँ शायद पीपा ही बोलते होंगे। हमारे पास भी था ये भोपाल में फ्रेंड्स, हमारी सारी जो यादें हैं, जो सारी चीजें, जो मम्मी पापा लोग शिफ्ट हुए थे शादी के बाद मदहा से, तब कैसे हालात होते थे, तो हर चीज ना मदहा से ले जाया करते थे। तो एक पेटी थी, एक बक्सा था, एक असाते का पीपा था, सब मदहा की। और इसको क्या बोलते थे? इसको देखचा ना, और ये खलबट्टा, सिलबट्टा नहीं, खलबट्टा, सिलबट्टा तो वो होता है, इमाम दस्ता। देखो मेरी शादी का सेहरा को रखा ऊपर, और ये रहा फ्रेंड्स लहसुन, देसी लहसुन। ले जाना है मुंबई? नहीं, चॉकलेट के लिए थैंक यू। आपका थैंक यू। चलो अब चल रहे हैं, बहुत देर नींद आ रही है मुझे। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट भाई, सुबह मिलते हैं आप सब। ये नहीं है, नहीं,